सो गाइस, आप ड्राइविंग के बादशाह बनना चाहते हैं तो मेरी ये ट्रिक आप अपनाइए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं सबसे ज्यादा दिक्कत होती है न्यू बिगिनर्स को, खासकर क्लच को रिलीज करने में। मैं आपको सिर्फ दो चीजें बताऊँ क्लच रिलीज करने के, मैं सिर्फ दो ट्रिक बताऊंगा, 100% आप ड्राइविंग के बादशाह बन जाएंगे। बोलते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो लास्ट इम्प्रेशन होता है। अगर क्लच से गाड़ी सही से नहीं उठा पाए तो कोई आपको गाड़ी नहीं देगा। सबसे पहली बात, क्लच को रिलीज करने का जो तरीका होता है, क्लच क्या होता है, स्प्रिंग रहता है उसमें, तो क्लच को जो फेंकता है, क्लच थोड़ा सा ऑपरेटिंग में हार्ड होता है। प्रेस करते टाइम में आपको हार्ड प्रेस करना और छोड़ना भी है, तो पैर को थोड़ा टाइट रखना जिससे धीरे धीरे रिलीज करना, पैर को फेंकता है। क्या करते हैं न्यू बिगिनर्स में, फट से उठा देते हैं, एक सेकंड में गाड़ी बंद हो जाती है। इसकी एक रिदम होती है, पहचान नहीं पाते न्यू बिगिनर्स खासकर। मैं आपको ये चीज बहुत बारीकी से बताऊंगा, आप इस चीज को देखिएगा बिल्कुल बारीकी से, और 100% बोल रहा हूँ आप ड्राइविंग के बादशाह बन जाएंगे। और किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि भाई आप चलो मेरे को ड्राइविंग सीखने के लिए, अगर ये क्लच रिलीज करना सीख गए तो गाड़ी को बिल्कुल आसान है, गाड़ी को बहुत आसान है गाड़ी चलाना। मैं आपको ये चीज जरूर बताऊंगा। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग, आई होप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके जो लाइफ की जो ड्राइविंग की, अगर ये चीज सीख ली आपने तो कभी जिंदगी में आपको गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ही बार में आप गाड़ी उठेगी, एक बार में आपको 10-10 बार आपकी गाड़ी बंद कभी नहीं होगी। जो न्यू बिगिनर्स है उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इस चीज में। अगर चैनल पे नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिएगा जिससे न्यू वीडियो अपडेशन आसानी से आपको मिल सके और आप कुछ ना कुछ चीजें रोज सीख सके। मेरे चैनल पर ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियो मिलती है और मैकेनिकल से रिलेटेड वीडियो। स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, और वीडियो के अंत तक सब वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, आपको एक एक चीज आपको बहुत काम आने वाली ये चीज, और 100% घर बैठे आप गाड़ी सीख सकते हैं, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, सबसे पहले हम ये चीज जान लेंगे कि हम जो ड्राइव कर रहे हैं, जो कार ड्राइव कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं जिस कार से, हमारी कार कौन सी है। यह है न्यू स्लेरियो, इसके जो पैडल्स हैं देख सकते हो आप, क्लच ब्रेक एक्सलेटर। सो गाइस, मैं सिर्फ आपको क्लच के बारे में बताऊंगा, क्लच क्या होता है। ये लेफ्ट वाला जो पैडल होता है ये क्लच होता है, इसे हम सिर्फ लेफ्ट वाले पैर से ही ऑपरेट कर सकते हैं, कभी राइट वाला पैर नहीं आ सकता। ये राइट वाला पैर ब्रेक और एक्सलेटर को ऑपरेट करता है। तो क्लच को मैं दो तरीके बताऊंगा, पहला ट्रिक है मैं आपको बताऊंगा, अगर ये ट्रिक आपने जान ली ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस टाइम पे उन्होंने लिख के, कभी भी आपको कार उठाने में दिक्कत नहीं होती है, कभी भी नहीं होगी आपको। क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले क्लच को पूरा प्रेस कर लेते हैं, ब्रेक प्रेस करके, और धीरे धीरे गाड़ी को एक बार स्टार्ट करना है। मैंने थोड़ा सा सीट को आगे करना पड़ेगा, पहली बार तो सीट को सही से शिफ्ट करना है, वरना क्लच आपको पैर बाहर आएगा। तो क्लच सेट कर लिया, ये मैंने क्लच प्रेस किया, ब्रेक प्रेस किया, गाड़ी को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गई मेरी गाड़ी। क्या होता है कि गाड़ी किस जगह में खड़ी है, किस सिचुएशन में खड़ी, ये डिपेंड करता है। हम खड़े हुए अभी नॉर्मल गड्ढे वाली जगह में, देखो नीचे नॉर्मल गड्ढे वाली जगह में खड़े हैं, जिससे हमें थोड़ा सा पावर भी मिल सकता है। बट ये प्लेन जगह में और पावर, देखो क्लच दो तरीका होता है, एक बाइंडिंग पॉइंट क्लच होता है, एक नॉर्मल क्लच होता है। तो हम बाइंडिंग पॉइंट क्लच के बारे में जानेंगे और नॉर्मल क्लच के बारे में जानेंगे। हम पहले गाड़ी को पूरी तरह बाहर निकाल लूँ तो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये गड्ढे में जगह है, थोड़ा सा मेरे को पावर के साथ निकालना पड़ेगा, आपको प्लेन जगह में चीज़ें सिखाऊंगा। तो गाइस, मैंने गाड़ी को निकाल लिया बाहर और मैंने गाड़ी को स्टॉप कर दिया। अब हमें ध्यान रखना है गाड़ी की, अपन गाड़ी किस जगह में खड़ी, सिचुएशन कैसी है अपनी, कि अपनी गाड़ी प्लेन जगह में खड़ी हुई है या हील्स में खड़ी हुई है, डिपेंड करता है जगह। तो क्लच रिलीज करने का जो तरीका होता है जगह के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्लच कैसे रिलीज करना है। अगर प्लेन जगह में अगर गाड़ी अपनी खड़ी हुई है तो आपको कभी भी एक्सलेटर की नीड नहीं होती, कोई भी गाड़ी ले लो, डीजल वाली गाड़ी ले लो या सीएनजी वाली गाड़ी ले लो या पेट्रोल वाली गाड़ी ले लो, पावर का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। डीजल वाली जो डीजल गाड़ी है वो आराम से धीरे बिना एक्सलेटर के उठ जाएगी, सेकंड गियर में भी आपको एक्सलेटर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्लेन जगह में जो गाड़ी खड़ी हुई है उसमें थोड़ा सा प्लेन जगह में, उसमें भी क्लच छोड़ते टाइम बिल्कुल एक्सलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब एक्सलेटर की जरूरत पड़ेगी जब कोई गड्ढे वड्ढे में रहेगा, थोड़ा सा ब्रेकर में रहेगा। तो बाइंडिंग पॉइंट क्लच क्या होता है कि जब प्लेन जगह में गाड़ी खड़ी रहती है तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्लच से ही उठाना है गाड़ी को। तो मैंने क्या किया, ये फर्स्ट गियर लगाया, क्लच को मैं धीरे धीरे रिलीज करूंगा, धीरे धीरे क्लच को कितना रिलीज करेंगे कि गाड़ी बंद ना हो और गाड़ी बढ़ जाए, क्लच को इतना रिलीज करना है। एक बाइंडिंग पॉइंट क्लच आता है, ये मैंने गाड़ी को एक्सलेटर बिल्कुल नहीं दिया, देखो
जब क्लच रिलीज करेंगे ना तो धीरे धीरे रिलीज करना, झटके से छोड़ेंगे तो गाड़ी पीछे जाएगी, तो गाड़ी एक वाइब्रेशन पॉइंट पे आएगा, ये गाड़ी का जो बॉडी है ना ये थोड़ी वाइब्रेशन करने लगेगी, वहां क्लच को रोक देना है, तो गाड़ी धीरे 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 मूव होने लगी। देखो मेरी गाड़ी मूव हो रही है, सिर्फ मेरा क्लच पैर में, देखो एक्सीलेटर की नीड बिल्कुल नहीं है, इसे बोलते हैं बाइंडिंग पॉइंट क्लच। और क्लच ऐसे धीरे धीरे छोड़ेंगे, क्या होता है पैर को फेंकता है क्लच, तो कभी भी आपको पैर को फेंकने नहीं देना, उस वाइब्रेशन पॉइंट पे आप क्लच को वहीं पे रोक दो, एक सेकंड के लिए एक पॉइंट भी ऊपर नहीं उठाना है। फिर मैंने देखो क्लच दबा के ब्रेक लगाया, गाड़ी मेरी ये स्टॉप हो गई। फिर मैंने क्लच को वाइब्रेशन पे, देखो क्लच को धीरे 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 मैं वाइब्रेशन पे लूंगा, और इसको ना एड़ी जमा कर, जब पैर उठाते हैं ना पैर को फेंकता है तो एड़ी जमा लो, सबसे बेस्ट तरीका, एड़ी जमाएंगे धीरे धीरे पंजे से उठाना है क्लच को। ये गाड़ी मेरी वाइब्रेशन करने लगी, मैंने ब्रेक छोड़ दिया, गाड़ी धीरे मूव होने लगी, ये गाड़ी मेरी मूव हो रही धीरे, ये गाड़ी बढ़ रही। देखो इस तरीके से आप क्लच को धीरे धीरे रिलीज कर सकते हैं। ये है, ये था पहला ट्रिक। अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड ट्रिक। मैंने गाड़ी को स्टॉप कर दिया, ये स्टॉप हो गई। अब क्या होता है, कभी गाड़ी हील्स में रहती है, न्यूट्रल करके मैंने स्टॉप कर दी, कभी गाड़ी हील्स में रहती, ऐसे खद्दड़ में रहती है, ऐसा रोड जो खद्दड़ रोड होता है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ नॉर्मल क्लच काम नहीं करता, इसमें क्या होता है थोड़ा सा पावर की जरूरत पड़ती है। आप सेल्फ, आप एग्जांपल के तौर पे खुद को भी ले लीजिए, कभी हील्स में या घाटे पे चढ़ते हैं तो अपनी बॉडी को भी पावर चाहिए पड़ता है गाड़ी चढ़ने, अपनी खुद की बॉडी को चढ़ाने के लिए, तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है। तो क्या करेंगे हम, क्लच को तो वाइब्रेशन तक छोड़ेंगे, मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया फिर से, क्लच को तो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन तक छोड़ेंगे हम, ये गाड़ी वाइब्रेशन दबाई मेरी। इसके बाद क्या करना है, ब्रेक छोड़ के थोड़ा सा तुरंत एक्सीलेटर थोड़ा सा तेज करेंगे तो साउंड करेगा, ये एक्सीलेटर दिया मैंने और धीरे धीरे गाड़ी मूव हो रही है। इस तरीके से भी आप क्लच को रिलीज कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आपने क्लच को रिलीज करना सीख गए, मैं बता रहा हूँ आपको, ड्राइविंग के बादशाह हो जाएंगे, कार के बादशाह हो जाएंगे, कार आपके उंगलियों पर नाचेगी, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और जिसकी गाड़ी भी चला रहे हैं आप किसी रिलेटिव की, वो भी एक ही बार में आपसे इम्प्रेस हो जाएगा कि भाई आपको गाड़ी चलाना आती है, क्योंकि सबसे पहला इम्प्रेशन होता है कार को रिलीज, क्लच को रिलीज करना। क्लच को अगर रिलीज कर लिया आपने तो बेस्ट है, क्लच रिलीज नहीं कर पाया अगर बार बार गाड़ी बंद हुई तो कभी सामने वाला यही बोलेगा कि भाई आपको गाड़ी नहीं आती है, क्योंकि पहला इम्प्रेशन होता है क्लच के साथ में। क्लच अगर आपने सही से छोड़ दिया तो आप आसानी से कोई भी गाड़ी आपको दे देगा, पहले धीरे धीरे आप कैसे भी ड्राइव कर सकते हो। फिर से मैं एक बार स्टॉप करूंगा कार को, फिर से आपको एक नॉर्मल क्लच के बारे में बताऊंगा मैं। ये गाड़ी मैंने स्टॉप की, फिर से क्लच को धीरे रिलीज करना है, मैंने फर्स्ट गियर लगाया और धीरे रिलीज किया वाइब्रेशन पे। ऐसा भी कर सकते हैं आप कि थोड़ा सा एक्सीलेटर दे दो और धीरे क्लच को रिलीज कर सकते हैं, जैसे पावर मिल सकता है गाड़ी को। ये गाड़ी देखो उड़ गई मेरी गाड़ी आराम से। फिर मैं स्टॉप करूंगा एक बार, ये मैंने गाड़ी को स्टॉप किया, फिर मैंने क्लच को क्या किया, थोड़ा सा धीरे धीरे एक्सीलेटर दे के पावर, जब कभी गड्ढे में होती है ये चीज़ तब करना है, इसे बोलते हैं नॉर्मल क्लच, थोड़ा सा एक्सीलेटर दे के धीरे धीरे ये गाड़ी मेरी बंद हो गई, मैंने एक्सीलेटर नहीं दे पाया, तो मैंने थोड़ा सा एक्सीलेटर दिया, धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया। आप एड़ी जमा सकते हो, मेरा पैर टाइट है तो मैंने आपसे, मेरे को पता है इसका फ्लो कितना, तो मैंने पैर उठा दिया, बट आप एड़ी जमा कर नीचे से पंजे से उठा सकते हैं इस चीज़ को। सो गाइस, कैसा लगा आज का सेशन था, आज का क्लच के बारे में, क्लच रिलीज करने के बारे में। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो, वीडियो मेरा पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, दम से शेयर करिएगा, जो न्यू बिगनर्स होते हैं उनको आसानी से चीज़ें सीखने को मिल जाए। और आपको भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आज मुझसे आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है यूट्यूब में, आप जहाँ से भी ऑल ओवर इंडिया सर्विस से फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल पर अगर आप सीखना चाहते हो, मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो आप मेरे को भोपाल भी आ सकते हो, भोपाल में अवधपुरी में मेरा ऑफिस भी है, अवधपुरी में मैं आपको ट्रेनिंग भी दे दूंगा, लाइव ट्रेनिंग देता हूँ। भोपाल से कोई है तो आप अवधपुरी आकर मुझसे सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टिप्स लेकर। Yeah!